नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रॉसेरा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये जो ड्रॉसेरा होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये एक महत्वपूर्ण मेडिसिन है खांसी के लिए या फिर आपके श्वसन प्रणाली का जो भी प्रदाह होता है उसके लिए ड्रॉसेरा मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सेवन करना है, कौन से डोसेस में लेना है, इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं है, इस मेडिसिन को आप कैसे खरीद सकते हैं, कौन से कंपनी का लेना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ड्रॉसेरा मेडिसिन। तो संड्यू नाम का एक प्लांट होता है, उस प्लांट से ये ड्रॉसेरा मेडिसिन जो है ये बनाया जाता है। तो ये ड्रॉसेरा मेडिसिन खासकर आपकी जो श्वसन प्रणाली होती है वहां पर काम करता है। तो जिन लोगों में ट्यूबरक्यूलोसिस डायथिसिस होता है, यानी कि किसी व्यक्ति में आप देखते हैं कि उनको ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है और या फिर उनके फैमिली में ट्यूबरक्यूलोसिस की हिस्ट्री, उनके फैमिली में हर किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है, तो वहां पर एज ए प्रिवेंटिव तौर पर या फिर ट्रीटमेंट के तौर पर भी इस ड्रॉसेरा मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है स्पेशली जहां पर लायरिंजियल थाइसिस होता है, यानी कि स्वर यंत्र का ट्यूबरक्यूलोसिस आपको होता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता है। साथ ही में जिन पेशेंट में वूपिंग कफ की तकलीफें हैं, यानी कि काली खांसी की तकलीफें हैं, तो वहां पर ये जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता है। तो जिन लोगों में खांसी बहुत ज्यादा रहती है और खास खास कर वो वॉमिट कर देते हैं, यानी कि जो भी खाई हुई चीजें हैं उनको वो बाहर निकाल देते हैं, उल्टी हो जाती है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। यानी कि खांसी की वजह से उनको उल्टी होती है तो वहां पर ड्रॉसेरा मेडिसिन दिया जाता है। तो ये जो ड्रॉसेरा मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि पैरोक्सिज्म्स में कफ आता है, यानी कि कफ की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक के बाद एक पैरोक्सिज्म्स खांसी का आता ही रहता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता है। और ड्राई इरिटेटिंग खांसी होती है, यानी कि खांसी जो है वो कभी कभी सूखी होती है, उनके गले में उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, तो वहां पर भी ये ड्रॉसेरा मेडिसिन दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि मिडनाइट के वक्त यानी कि आधी रात में खांसी की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब एक्सपेक्टोरेशंस आते हैं यानी कि खांसी के साथ बलगम आता है तो वो येलो कलर का रहता है, पीले कलर का रहता है, और खांसी में कभी कभी खून भी आता है। जब वो खांसते हैं तो येलो कलर का एक्सपेक्टोरेशन रहता है, येलो बलगम रहता है, पीला बलगम रहता है, उसके साथ उनको खून आता है या फिर नाक में से खून आता है, इतनी जबरदस्त खांसी उनको रहती है, तो वहां पर ड्रॉसेरा मेडिसिन आप जरूर दे सकते हैं। उनको खांसी इतनी भयानक रहती है कि वो मुंह में उंगली डालकर खांसी करते हैं, उनको इतनी इंटेंस इचिंग उनको इतनी इंटेंस रहता है कि वो खांसी जो है वो बाहर निकाले, बलगम जो है बाहर निकाले ताकि उनकी खांसी रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इस खांसी के साथ साथ उनको होर्सनेस बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि आवाज जो है वो बैठ जाता है। आवाज जो है वो क्यों बैठता है, तो उनको लायरिंग्स का स्वर यंत्र का प्रदाह रहता है। इसमें क्या होता है कि हमने पहले बात की कि स्वर यंत्र का उनको ट्यूबरक्यूलोसिस रहता है, तो इसके लिए उनको बहुत ज्यादा ड्राई इरिटेटिंग खांसी रहती है, और उसके वजह से उनका आवाज गला जो है वो बैठ जाता है, और उसके वजह से उनका टोन जो है वो चेंज हो जाता है, धीरे धीरे बात करते हैं, हल्के से टोन में बात करते हैं, या फिर उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है और बोलते समय वो बोल नहीं पाते हैं, इतना इरिटेशन उनको उनके स्वर यंत्र का रहता है, और उसके वजह से वहां पर ड्रॉसेरा मेडिसिन अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्लीजरमैन्स थ्रोट के लिए भी ये मेडिसिन दिया जाता है, यानी कि जिन लोगों में फायरिंग्स जो है उसका इन्फेक्शन होता है, और वहां पर ये जो इन्फेक्शन है फायरिंग्स का, ये ओवर यूज ऑफ वॉइस यानी कि बहुत ज्यादा बात करने की वजह से हुआ है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि पब्लिक स्पीकर होते हैं उनको बहुत ज्यादा बातें करनी रहती है या फिर बहुत ज्यादा बोलना रहता है, इसके वजह से उनका गला बैठ जाता है, आवाज बैठ जाता है, तो वहां पर ये मेडिसिन हम दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। साथ ही में इसमें क्या होता है कि जब
उनके स्वर यंत्र का ट्यूबरक्लोसिस रहता है, तो उनका वेट बहुत फास्ट रैपिडली कम होता रहता है, तो वहां पर ये ड्रोसेरा मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में जब वो बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्जर्शन या फिर बहुत ज्यादा उनको ताकत लगानी पड़ती है तभी वो बोल पाते हैं, तो वहां पर भी मेडिसिन दिया जाता है। और किसी पेशेंट में अगर अस्थमा की हिस्ट्री है, दमा की हिस्ट्री है, तो जैसे ही वो बातें करने लगते हैं तो उनका दमा बढ़ जाता है, अस्थमा बढ़ जाता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। और इन लोगों में, इन पेशेंट में फीवर, बुखार की तकलीफें बहुत ज्यादा रहती है। जब बुखार रहता है तो उनको इंटरनल चिलीनेस यानी कि अंदर से बहुत ज्यादा ठंड बचकर आती है। उनके हाथ पैर हमेशा गर्म उनको महसूस होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडे उनको लगते हैं। यानी कि हम उनके हाथ पैरों को छूते हैं तो वो गर्म लगते हैं, उनका फेस भी गर्म लगता है, चेहरे पर भी उनको गर्मी महसूस होती है, हमको भी गर्म लगता है, लेकिन अंदर से उनको बहुत ज्यादा ठंडी महसूस होती है। जैसे वो बिस्तर पर लेट जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है। तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ड्रोसेरा दिया जाता है। इनके कंप्लेंट्स जो है वो रात के टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे ही वो बिस्तर पर सोते हैं तो कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, और जैसे ही उनको बेड की गर्मी लगती है तो उनको अच्छा लगता है। तो ये जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं खांसी के कंप्लेंट्स में या फिर ट्यूबरक्लोसिस के कंप्लेंट्स में। इस मेडिसिन को कैसे सेवन करना है, तो 30 to 100 potency में दे सकते हैं डायरेक्टली 2 बूंद, सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद भी इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। लगातार अगर इस मेडिसिन का सेवन करते हैं आप 10 या 15 दिन के लिए, तो ट्यूबरक्लोसिस की तकलीफें, खांसी की तकलीफें कम हो जाती है। इस मेडिसिन को आपको होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से जरूर लेना है। तो इस मेडिसिन को अगर आप मंगवाना है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर नजदीकी होम्योपैथिक फार्मेसी से भी इस मेडिसिन को खरीद सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो ड्रोसेरा मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।